हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो भी बात होगी समाज के बीच में यहीं पर होगी, इसके अलावा कहीं नहीं होगी। सर इसके अलावा अगर बात की जाए, क्या अगर मान लीजिए वो केवल एक प्रलोभन देने के लिए आते हैं तो फिर क्या आपका रुख रहेगा आंदोलन का? चाय पीजिए, बैठिए हमारे साथ, दो चार घंटे हमारे साथ व्यतीत करिए, तो आप जो आंदोलन है इसको और एक्सटेंड करिए, हमारे साथ विचार विमर्श करिए, कुछ हमसे भी सीख के जाइए, कुछ हमको सिखा के जाइए और अगली बार 5% का नोटिफिकेशन लेकर आइए। सर गहलोत सरकार की तरफ से कहा जाए तो सीएम गहलोत की तरफ से कहा गया है कि जो ये पूरा प्रकरण है वो हमारे हाथ में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर विचार करना होगा। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये विडंबना है एक्चुअली। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैनिफेस्टो बना करके दिया है क्या? मतलब ये तो हास्यप्रद बात है। मैं कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहता किसी की, लेकिन बहुत ही अनफेयर बात है, क्योंकि मैनिफेस्टो तो अमुक सरकार ने बना करके दिया था, उसमें लिख करके दिया था, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैनिफेस्टो जब बनाया हो तो लीगल टीम से बात नहीं करी। बिल्कुल लीगल टीम से बैटरी से बात करी होगी। उसके अंदर कोई मैनिफेस्टो अगर होता, मैं बार बार यही कह रहा हूं, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि अगर कोई मैनिफेस्टो बनता है तो उसमें सेंट्रल लीडरशिप का ओके भी आता है। आई एम श्योर कि सोनिया जी और राहुल जी ने उसको ओके करा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, तभी वैलिडेट किया होगा। जब इतनी लीडरशिप उसको वैलिडेट कर सकती है और कर चुकी होगी आई एम वेरी श्योर, तो अब कहां से आ गई आपकी बीजेपी की बात कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपका वैलिडेटेड मैनिफेस्टो, जो मेरे को समझ में आता है इस स्टेटमेंट से, मतलब माफ कीजिएगा ये स्टेटमेंट थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है और एक्सटेंशन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हो नहीं सकता वैसे कि जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है बीजेपी से ऑथेंटिकेटेड हो, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। तो फिर मैं क्यों जाएंगे, हम क्यों जाएंगे। रही बात जो गहलोत जी ने कहा, तो हम ये कहेंगे कि मैनिफेस्टो में तो कांग्रेस ने लिखा था, अब कांग्रेस को अगर बीजेपी के पास जाना है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है या किसी और पार्टी के पास या किसी और स्टेट की गवर्नमेंट के पास जाना है वो जाए, हमारे यहाँ हमें हमारा 5% देते, कैसे देती है क्या देती है हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि 5% हमें लीगल तरीके से दिया जाए जो कि स्टैंड करे। माननीय मंत्री महोदय विश्वेंद्र सिंह जी ने यहाँ आकर के अपनी बात रखी है, दो बातें मुझे आपको बतानी है, चूंकि कमेटी में मुझे भी रखा गया है तो दो बातें मुझे आपको बतानी है कि आपका जो 5% आरक्षण है वो कैसे साकार रूप ले उसी के बारे में, और वही चीज यहाँ पर, और हम बिल्कुल क्लियर हैं कि दोनों बातें क्लियर हैं कि ना आपको उठना है यहाँ से, हम उठने के लिए कह भी नहीं रहे आपसे। जो शैलेंद्र जी ने कहा है, जो विजय जी ने कहा है, वही हम दोहरा रहे हैं कि उसका समाधान किस रूप में हम आपके पास लेकर के आए, यहीं पर ले आएंगे। राज्य सरकार की गंभीरता से आपको भली भांति अवगत हो गए होंगे कि एक वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर को उन्होंने यहाँ पर भेजा है और एक आईएएस अधिकारी को यहाँ भेजा है पटरी पर आकर के बात कर रहे हैं। समस्त गुर्जर समाज को बंधु मानते हुए कि हमारे समाज के कुछ लोग किसी विषय से उज्ज्वलित हैं तो आकर के उनसे बात की है, और उन्होंने एक लाइन में यही कहा है कि उनको जो बिंदु है उसके समाधान के लिए आप किस तरह से विधिक समाधान निकाल सकते हैं। तो बात हमें पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार की ओर से जो सकारात्मक पहल की गई है उस पहल के उपरांत गुर्जर बंधु इस विषय को समझते हैं कि इसका समाधान लीगल तरीके से लिख करके विधिक प्रावधानों को समझते हुए ताकि आगे नहीं अटके, वो तो नारा पुनः मिलेगी, बार बार मिलेगी, जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक हम दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे खनल साहब को, पूरे गुजर समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से मेरा स्वागत किया, आशीर्वाद दिया, और मैं जल्दी से जल्दी कदम निकालेंगे। रसिया सुना दो यार, I'm going to go to the hospital.